वन बेडरूम का अपार्टमेंट बेचने के लिए अंधेरी वेस्ट फोर बंगलोज गर्कुल सोसाइटी प्राइस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लेट्स सी इट। ग्राउंड प्लस फाइव फ्लोर पांच माले की टोटल बिल्डिंग है। आपका जो मेन एंट्रेंस है वो इधर से आता है। आपका पार्किंग ऐसे टाइप के कोई भी गैराजेस में जाएगा, या तो फिर वैसा या तो फिर ऐसा एक कवर्ड कार पार्किंग मिलेगा आपको गैराज अंदर, स्टिल्ट पार्किंग। कंपाउंड काफी बड़ा है इधर, अभी थोड़ा बंबू लगे हैं, काम चल रहा है रेनोवेशन का, इसीलिए शायद थोड़ा छोटा लगे, बट इट्स अ नाइस साइज प्लेस। किड्स कैन कम एंड प्ले ओवर हियर आल्सो। That is the entrance with the elevator, जिससे आप ऊपर जाते हो। ये फ्लोर लॉबी है, इधर एक दो तीन चार पाँच, एक फ्लोर पे पाँच फ्लैट है। ये आपका एलिवेटर है, पुराने स्टाइल का एलिवेटर है, वो जाली वाला दिखाता हूँ, आई है अभी एक मिनट। ये रहा आपका एलिवेटर, वेरी ओल्ड स्कूल बट इट सीम्स लाइक इट्स अपडेटेड। ये पुराना नहीं है, अच्छा है, फैन भी चलता है। नॉर्मली ऐसे घर में जाते तो ऊपर वो फैन नहीं चलता है लिफ्ट में, पर इसका फैन चलता है, विच इज़ गुड। फ्लैट इज ऑन द राइट हैंड साइड। ये रहा आपका अपार्टमेंट। मेरा नाम है रवि केवल रमानी, आई एम सेकेंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। मेरा इन्फॉर्मेशन, कंपनी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर इन केस यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो, और इधर राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे भी मिलेगा आपको। चालू करते हैं प्रॉपर्टी का टू। ये वन बेडरूम अपार्टमेंट है, 584 स्क्वायर फीट बिल्ट अप एरिया एज पर अग्रीमेंट। एंटर करते ही आप एक लिविंग रूम में एंटर करते हैं। ये आपका लिविंग रूम रेक्टेंगुलर शेप का है, आपका एक बेडरूम और दो वॉशरूम और किचन इधर से राइट हैंड साइड पे आता है। प्रॉपर्टी का एग्जिट आता है वेस्ट, थोड़ा डायगोनल है, सो ये साउथ आया और ये वेस्ट आया, तो बेसिकली साउथ वेस्ट का एग्जिट आता है। ये प्रॉपर्टी में अगर आपको आना है तो रेनोवेशन करना पड़ेगा, वन बाय वन के टाइल्स लगे पड़े पुराने स्टाइल के। दूसरे माले पे फ्लैट है, सामने आपको ग्रीनरी है। ये जो लोकेशन है काफ़ी अच्छा लोकेशन है, क्वाइट एंड पीसफुल। इधर ज़्यादा चैचू नहीं हो रहा है, गाड़ी का आवाज़ का होंगे का कुछ नहीं हो रहा है, और ये लोकेशन काफ़ी प्रीमियम है फॉर द फोर बंगलोज सेवन बंगलोज रीजन। जुहू इज जस्ट अ फ्यू मिनट्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस, आपको वर्सोवा बीच का एक्सेस पाँच मिनट में मिल जाएगा। लिविंग रूम के सामने जो आपका व्यू है वो ग्रीन व्यू है। इधर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक गार्डन है जो कॉमन है, बीएमसी गार्डन होगा मोस्ट प्रॉब्ली, सोसाइटीज़ के लिए कॉमन होगा। सामने भी एक बिल्डिंग है पर वो करीबन 30 मीटर 25 मीटर दूर है। इधर राइट हैंड साइड पे एक चीज़ मेरे को बताना है आपको कि ये पुराने स्टाइल में जब बनते थे ए वन बेडरूम के फ्लैट, तो इधर एक दरवाज़ा रहता था ताकि आपका लिविंग और जो घर के जो लोग हैं वो अंदर सेपरेट हो सकते हैं। आपका डाइनिंग एरिया इधर अच्छी तरह से फिट हो सकता है, इधर है आप एक चार सीटर मैं बोलूँ कंफर्टेबली फिट कर सकोगे आप इधर। अगर नहीं चाहिए तो आप इधर टीवी इधर डाल सकते हैं और अपना डाइनिंग इधर रख सकते हैं, बट आई वुड प्रिफर टू हैव योर लिविंग इधर बालकनी के बाजू में, विंडोज़ के बाजू में, और आपका डाइनिंग रूम इधर बन सकता है। अगर इसको तोड़ दिया, इसके पीछे आपका किचन है, इधर तोड़ के आप अगर बना सकोगे इनकेस इधर पिलर विलर नहीं है, तो आपका डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा किचन से, विच इज अ मॉडर्न स्टाइल ऑफ लिविंग। नाउ यू हैव योर वॉशरूम ओवर हियर, जैसे आप एंटर करते हो मैं वैसे ही आपको टूर कराऊंगा। ये शावर एरिया बहुत पुराना है, आपको ये भी तोड़ के बनाना पड़ेगा, सब कंसील्ड भी नहीं है, सब बाहर ही दिख रहा है आपको। हाइट कम है क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने स्टोरेज रखा है, वो जो एटिक स्टाइल मिलता था। इधर एक वॉश बेसिन बनाया है लोगों ने, एंड हियर इज योर टॉयलेट ब्लॉक। नॉर्मली काफी लोग क्या करते हैं, इसको भी एक शावर और टॉयलेट बना देते हैं, और वो जो था आपका शावर एरिया उसको भी एक टॉयलेट शावर बना देते हैं, तो आपको दो मिल जाता है। ये आपका किचन, किचन में कैबिनेट्स तो दिए हैं पर वो सब ज़्यादा रेलेवेंट होगा नहीं। ये काफ़ी स्टर्डी है, आपका ग्रैनाइट काउंटरटॉप अच्छा है, स्टेनलेस स्टील भी डिसेंट है, आपको ये सब शायद अपने टेस्ट से बनाना पड़ेगा, पंखा वंखा सब कुछ है। विंडोज भी इंस्टॉल्ड है, गैस पाइपलाइन आपको दी गई है। इधर आपका गैस यूनिट आएगा जहाँ कनेक्शन आएगा, एंड देन यू कैन डू योर थिंग्स, यू कैन हैव अ नाइस सर्विंग काउंटर व्हिच दीस गाइस हैव मेड, बट इट्स इन द मिडिल। गुड स्पेस टू हैव योर रेफ्रिजरेटर एज वेल एज योर वॉशिंग मशीन,
हाउएवर मैं अगर इधर रहूं जैसे मैं नॉर्मली दिखाता हूं, इस इधर मैं एक वॉशरूम को अपना सर्विस बना सकता हूं, इधर वॉशिंग मशीन डाल दूं, कॉमन वॉशरूम बना दूं और इधर एक फुल फ्लैश वॉशरूम फॉर दी एंटायर फैमिली वैसा कर दूं, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। ये आपका बेडरूम, ये भी काफ़ी लंबा है, दो साइड पे विंडो दी गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, तो आपको क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी मिलनी चाहिए। बिल्डिंग में रेनोवेशन चल रहा है, बाहर पूरे बम्बूज लगे वो आपको दिखा देंगे, बट ये घर के अंदर जो स्पेस है ना, और शायद वो बनने के बाद में इट विल लुक वेरी नाइस अपडेटेड। ये रूम में आपको स्पेस काफ़ी अच्छा है, इधर वार्डरोब्स दिए हैं, पूरा नहीं जा रहा है बट यू कैन मेक इट फुल। आई वुड कीप दीज टू ओपन, हैव अ नाइस स्प्लिट एयर कंडीशनर एंड मेक इट अ वेरी नाइस गुड स्पेस। अभी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आस्किंग प्राइस, कितना दाम है ये प्रॉपर्टी का। ओनर 1,80,00,000 ओरिजिनली मांग रहा था, जो मैंने नेगोशिएट किया उनसे और 5,00,000 रुपए कम कर दिए हैं, विच इज़ 1.75 crores इज द आस्किंग प्राइस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो 5,00,000 ऐसे ही कम कर दिया है। आप अगर जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, ऑफर देना चाहते हो, तो रीजनेबल ऑफर देना, बिकॉज हम लोग ज़्यादा खींचातानी नहीं करते हैं, भाजी करतानी नहीं खरीद रहे, एक घर खरीद रहे हैं, तो कम इन विद अ रीजनेबल ऑफर। वंस अगेन 1.75 crores इज द आस्किंग प्राइस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। Thank you very much. Continue watching more properties here and here. Not there, here and here. Bye-bye.